हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है द्विघात समीकरण, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो उसकी एक्सरसाइज 4.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के 7th और 8th क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो 7th और 8th क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का जो होल क्यूब है वो क्या होता है। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab². तो अगर ए प्लस बी का होल क्यूब ये होता है, तो इसी तरीके से अगर हम एक्स प्लस टू का होल क्यूब फाइंड आउट करें तो वो कैसे करेंगे? बस आप इतना ध्यान रखें कि ए की जगह आपको एक्स रखना है और बी की जगह आपको टू रखना है। तो ये देखो ए है, इसकी जगह एक्स रखना है, क्यूब तो रहेगा दोनों में। बी की जगह टू रखना है, क्यूब तो रहेगा। थ्री के प्लेस पे थ्री रखना है, मल्टीप्लाई ए के प्लेस में एक्स रखना है, साथ में स्क्वायर होगा। बी के प्लेस में टू रखना है, थ्री के प्लेस में थ्री रखना है, ए के प्लेस में एक्स रखना है और बी के प्लेस में आपने क्या रखना है, टू। स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि एक्स प्लस टू का जो होल क्यूब है वो बन चुका है एक्स क्यूब। टू का क्यूब कितना होता है? एट होता है, क्योंकि टू के क्यूब का मतलब होता है टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू। प्लस थ्री को टू से मल्टीप्लाई किया तो आ गया सिक्स, साथ में एक्स स्क्वायर है। ये क्या है? टू का स्क्वायर। तो टू का स्क्वायर होता है टू मल्टीप्लाई टू, जो कि होता है फोर। तो थ्री को इस फोर से मल्टीप्लाई करो तो आया ट्वेल्व, और साथ में क्या है? एक्स। तो हमें ए एक्स प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला ये पूरा पता चल गया है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7th में, जो है आपका एक्स प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये जो देखो, इसको मैंने अभी ऊपर सॉल्व करके दिखाया है, तो ऊपर सॉल्व की हुई वैल्यू मैं रख लेता हूं एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, रख दिया मैंने इक्वल टू, ये इक्वल टू रखा दिया। 2x को अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 2x³, फिर माइनस की जगह माइनस। 2x को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 2x। अब इसको भी वहां लेके जाएंगे, अब इसको भी वहां लेके जाते हैं। तो पहले से ये देखो क्या है, ये है एक्स क्यूब प्लस क्या है 8 प्लस क्या है 6x² प्लस क्या है ये 12x, और ये 2x³ यहां आ गया तो हो गया माइनस 2x³, और ये माइनस 2x³ यहां आएगा तो हो जाएगा प्लस 2x। अब ये दोनों तो जा चुके हैं यहां से, तो इनकी जगह क्या बचेगा? इक्वल टू जीरो बचेगा। अब एक चीज याद रखें, जो x³ होता है अगर उसमें से 2x³ माइनस करें तो कैसे करेंगे? एक्स क्यूब के आगे कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा तो वन लगा लो। वन एक्स क्यूब में से 2x³ को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा माइनस 1x³। तो आप अब देख सकते हैं, तो एक्स क्यूब में माइनस 2x³ सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस 1x³। ये क्या लिखा है? ये है 6x², साथ में हम लिख देते हैं। ये क्या है? प्लस 12x। ये क्या है? प्लस 2x। तो प्लस 12x प्लस 2x होता है 14x, तो ये बन गया आपका 14x। और लास्ट में आपके पास क्या है? ये है प्लस 8 इक्वल टू जीरो। इसमें देख सकते हैं कि ये जो आपके पास इक्वेशन आई है इसकी डिग्री 3 है, इसकी जो घात है वो है 3, क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3 है। तो इसीलिए ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं।
अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² तो इसी तरीके से x माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल होगा, a की जगह x रखना है, b की जगह 2 रखना है। a की जगह x रखना है, क्यूब साथ में रहेगा। b की जगह 2 रखना है, क्यूब साथ में रहेगा। 3 की जगह 3 रखना है, मल्टीप्लाई। a की जगह x रखना है स्क्वायर, b की जगह 2 रखना है प्लस 3 की जगह 3 रखना है मल्टीप्लाई, a की जगह x रखना है मल्टीप्लाई, b की जगह 2 रखना है स्क्वायर साथ में। ये तो ऐसा ही रहेगा x क्यूब। 2 की पावर 3 अभी मैंने ऊपर सॉल्व करके दिया, 8 होता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6, साथ में क्या है ये x स्क्वायर। ये 2 का की पावर 2 क्या होता है 4, तो 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 12, और साथ में ये क्या है x। तो आप अब देख सकते हैं कि x माइनस 2 का जो होल क्यूब है वो हमारे पास कितना आ गया। अब ऊपर से जो क्वेश्चन है वो मैं दिखाता हूं क्या है क्वेश्चन। ये है आपके पास 8th पार्ट जो लिखा है एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, ये है एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको तो एज इट इज कॉपी कर दिया, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू। इसको मैंने ऊपर सॉल्व करके दिखाया अभी आपको, ये रहा पूरा, तो ये रख देते हैं इसकी जगह पर। तो एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x। अब ये देखिए, ये प्लस एक्स क्यूब है, ये भी प्लस एक्स क्यूब है, दोनों एक जैसे हैं, साइन भी एक जैसे हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब कैंसिल आउट हो गए तो क्या बचा उसको लिख लेते हैं, माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, और ये बचा माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x। इसको भी यहां ले आएंगे, इसको भी यहां लेके आते हैं, और इसको भी यहां लेके आते, तीनों को लेके आएंगे तो क्या बचेगा, पहले मैं इन सबको उतार दूं, माइनस एक्स प्लस 1, ये माइनस 8 आएगा तो हो जाएगा प्लस 8, ये माइनस 6x² यहां आएगा तो प्लस 6x² हो जाएगा, ये प्लस 12x है, 12x प्लस 12x यहां आएगा तो हो जाएगा माइनस 12x, और वहां क्या बचा, फिर यहां क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो जीरो। अब ये देखिए, माइनस 4x² प्लस 6x² हो गया आपका 2x², माइनस एक्स माइनस 12x, माइनस एक्स माइनस 12x इक्वल होता है माइनस 13x, तो ये हो गया माइनस 13x, प्लस 1 प्लस 8 होता है प्लस 9 इक्वल टू जीरो। देखें इसकी जो घात है वो कितनी आ रही है 2, इसकी डिग्री कितनी आ रही है 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज 4.1 है इसका हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।